कायस्थ समाज के लोगों ने बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर पर यम द्वितीया के दिन गुरुवार को चित्रगुप्त भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन आरती व हवन किया तथा सामूहिक कलम दवात की विशेष पूजा भी की गई। आपको बता दें कि सभी चित्रांश परिवार के सदस्यों ने विभिन्न देवी देवताओं व श्री चित्रगुप्त जी के अनेकों नाम को अंकित कर लिखित पत्रों को भगवान चित्रगुप्त जी के प्रतिमा के समक्ष अर्पित किया। पूजा करने आए आदित्य श्रीवास्तव ने बताया कि यह पूजा चित्रगुप्त भगवान की होती है, जिसमें चित्रांश समाज के लोग कलम की पूजा करते हैं। दिवाली के दिन से ही कलम को पकड़ते नहीं हैं। कलम की पूजा हो जाने के बाद कलम को छुआ जाता है। उन्होंने बताया कि कलम का हम लोग के समाज में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। श्रीवास्तव लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बुद्धिमानी के लिए भी जाने जाते हैं, इसलिए श्रीवास्तव समाज कलम की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त महाराज के सामने अपनी कोई मनोकामना लिखकर चित्रगुप्त भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। वहीं चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए चित्रगुप्त को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। उनकी काया से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मांड है, वर्णों में उन्हें कायस्थ कहा जाता है। इस बाबत ब्रह्मा ने कहा था, तुम मेरे चित्त में गुप्त थे, अतः तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। सृष्टि के प्राणियों का लेखा जोखा रखना तुम्हारा काम होगा। चित्रगुप्त यमराज के दरबार में चले गए और यमराज के कार्यों में सहयोग करते हैं, इसलिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज के साथ चित्रगुप्त पूजन का भी विधान होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजा करने आए आदित्य श्रीवास्तव एवं ट्विंकल और चित्रगुप्त मंदिर महासभा के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव ने कहा, इसमें आता है गोरखपुर न्यूज़ पेपर। जय श्याम तन
कर्म की जय। शांति लायाधीश तव शरणागतम शरणागतम जय। दीन अनुरागी हरि अदिति श्रीवास्तव। ये श्रीवास्तव लोगों की पूजा होती है चित्रगुप्त महाराज की, जिसमें हम लोग कलम की पूजा करते हैं। दिवाली के दिन से हम लोग कलम छूते नहीं हैं, दो दिन हम लोग कलम नहीं छूए, उसके बाद आज जब पूजा हो जाती है तब हम लोग अपनी कलम छू सकते हैं। क्या बात होता है इस पूजा का महत्व ये होता है कि हमारे जो चित्रगुप्त महाराज जी हैं, हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि पेन का हम लोग को बहुत महत्व होता है। हमारी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, श्रीवास्तव लोगों को पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, तो हम लोग हमेशा कलम की पूजा करते हैं। इस दिन क्या लिखा जाता है? इस पर लिखा जाता है जैसे चित्रगुप्त महाराज के बारे में, भगवान के बारे में ध्यान दिए जाते हैं, अपनी कोई विश होती है वो हम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, क्या हम कर रहे हैं वो लिख के उनको उनके उनके पैर पे हम लोग रख देते हैं। मेरा नाम है ट्विंकल। पूजा तो बहुत अच्छी लगी, हम तो पहली बार ही आए हैं पूजा में, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और सारा इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो क्या लिखा जाता है इस पे? अपने इष्ट देवता का नाम लिख सकते हैं, और उसमें आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है अपना नाम लिख लें, और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी जो भी आपको मंत्र आते हैं वो लिख सकते हैं उसमें। कलम दवा की पूजा क्या महत्व है? अब हमारे लिए तो पढ़ाई ही है, तो हम तो इसीलिए आए थे कि हमारी पढ़ाई वगैरह जो भी है सब अच्छे से हो जाए। मैं सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव, अध्यक्ष चित्रगुप्त श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर। इसलिए भगवान चित्रगुप्त की पूजा यम द्वितीया के दिन क्यों रखी जाती है, ये चरितार्थ और कहावत है कि भगवान राम अपने यहाँ शुभकामना है तो उन्होंने इकट्ठा किया था लोगों को, लेकिन उन्होंने भगवान चित्रगुप्त को बुलाना भूल गए, और पुनः जब भगवान चित्रगुप्त जी नहीं पहुँचे तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा कि वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या बात है क्यों नहीं आए, उन्होंने बताया कि उनको इन्विटेशन नहीं गया था, क्योंकि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था, इन्होंने लेखनी बंद कर दी थी, और उस लेखनी बंद करने के कारण ब्रह्मांड में पूरा हाहाकार रहा। फिर उन्हें पुनः बुलाया गया और उनसे क्षमा मांगी गई। तब से यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और लेखनी कायस्थ सभा लेखनी की पूजा करता है। क्या महत्व होता है? चित्रगुप्त भगवान की ये पूजा जो है हमारे सिर्फ कायस्थ ही नहीं करता है, सारे धर्म के लोग करते हैं, और भगवान चित्रगुप्त की पूजा किसी को ब्राह्मण भी अगर है तो ब्राह्मण भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा करता है, और कायस्थ को ब्राह्मण से भी दान लेने का अधिकार है।